नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान में CAA NCRA के विरोध में विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, वजीरपुर से लगभग 10,000 से 12,000 लोग एकत्रित हुए। रास्ते में विरोध सभा में आने वाली बसों पर कुछ लोगों ने पथराव किया, समझाइश के बाद बसों का निकाला गया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार अपने मार्ग से भटक रही है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर लोगों को उलझाने का कार्य कर रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में लोग अपने वोटों की राजनीति करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार का जमकर विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून NRCA NPR जैसी चीजें देश को तोड़ने का काम कर रही है। यह नागरिकता देने वाला नहीं बल्कि छीनने वाला कानून है, इसे सरकार को हाल ही में वापस लेना होगा। मजहबी लड़ाई लड़वाकर सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, ऐसी सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। आइए देखते हैं विशाल विरोध सभा का एक दृश्य। एसटीज को, द्रविड़ियंस को उखाड़ के मनुवाद नाफिज करेंगे। लिहाजा इस्तेकामत के साथ, हौसले के साथ आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ना है। फिर अल्लाह की मदद आएगी तो फिरौन की तरह अमित शाह बर्बाद हो जाएगा। साथियों, ये कानून CAA और NRCA NPR CAA NRCA NPR से इसलिए लाया गया है क्योंकि वो आपसे अपने नागरिक अधिकारों को छीनेगा। साथियों, इसे हमें वापिस करना है और इसका हमें पुरजोर विरोध करना है। साथियों, एक दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, इसे हमें जन आंदोलन का रूप देना है। साथियों, तभी हमारी कामयाबी हासिल होगी। हमें सरकार का पैसा ले, काम RSS का करे, देश को बांटने का करे, देश में आपस में झगड़ा कराने का काम करे और सरकारी दफ्तरों में जाकर के सरकार के नुमाइंदे बन करके करे। तो मैंने ये प्रश्न लगाया हुआ विधानसभा में, मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। जवाब की तैयारी हो रही है और जैसे ही ये जवाब आ जाएगा मैं उनके DNA जांच की मैं मांग करूंगा। डेकोरेट करके, इसको डेकोरेट करके, इसको सजा करके इंसान को इसको यूज करने के लिए भेजा है। जाओ तुम्हारी जमीन पर, इस जमीन पर तुम्हारा इम्तिहान लगता हूं। पूरी जमीन इंसान को मसक करके इब्ने आदम जमीन पर रहा, शैतान ने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में किब्र किया, फलकतनी मिन्नार कहा, आई एम सुपीरियर देन आदम, मैं आदम से सुप्रीम हूं, मैं आग से पैदा हूं, आदम मिट्टी से पैदा हुआ। यही पसंद है जो आदम और इब्लीस की और कायम तक चलने वाली। खत्म हो जाएगी, ये हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा और हम भी खत्म हो जाएंगे, ये यकीन रखो। अब आपके सामने काफी तकलीफ हो चुकी, मैं आपके सामने एक बात और अर्ज कर रहा हूँ। 25 अगस्त को जो वाकया पेश आया, उसमें हमारे विधायक साहब राम केजी मीणा ने तन मन धन से हमारा पूरा साथ दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तीन मुल्कों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आने वाले प्रचारित लोग हैं उनको BJP की सरकार नागरिकता देगी। आने वाले लोग जो आ चुके हैं लोग 2014 से पहले, और इससे पहले जो है NRC होगा। NRC में क्या होगा कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा पाएंगे कि वो हिंदुस्तान में जो है 1947 से पहले रहते थे, उनके पास कोई प्रूफ होगा इस चीज का। क्या प्रूफ होगा इसका ये सरकार बता नहीं पा रही है, इसने अभी तक क्लियर नहीं करा है। तो उसने हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करा है कि हमें क्या देना है, किस चीज से हम प्रूफ। हम युवा, स्पेशली मैं युवाओं की बात करूंगा कि हमारे युवा आंखें मूंद करके अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। आज देश के अंदर जातिगत तौर पे उनसे भेदभाव किया जाता है, धर्म के तौर पर उनसे भेदभाव किया जाता है,
उनके साथ हिंसा की जाती है, मुस्लिम बता करके उनके साथ मोबिलाइजेशन की जाती है, दलित बता करके उनके साथ हिंसा की जाती है, एक टारगेट बना करके। जी हां साथियों, ये समझने की जरूरत है, एक टारगेट बना करके हम लोगों को, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है ये है एक टारगेट के तहत हो रहा है। उस लेवल पर नहीं आ पाया, नजीब को गायब किया गया, हम खामोश रहे। अपराधों की हत्या की गई, उसे जला दिया गया, हम खामोश रहे। उमर को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, हम खामोश रहे। लेकिन बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमारे संविधान के ऊपर हमला किया गया, संविधान के ऊपर हमला किया गया, ये भी एक बात मान ली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस मुल्क को बनाने का काम इस मुल्क के मुसलमानों ने किया है, उस मुल्क से मुसलमानों को निकालने की जब बात आई है तो अमित शाह सुन ले कि अब हम खामोश नहीं रहने वाले। जो हिंदी पढ़ने वालों को मिलता है, लेकिन हमारे इस देश के जो लोग हैं, जो ये भाई जरा नहीं चाहते, तो उनका ये हाल है कि अगर किसी मुसलमान के हाथ में उर्दू में या अरबी में लिखी हुई रामायण हो और भीड़ उसको घेर ले तो कुरान समझ के उसको जला देगी। है तो रामायण लेकिन लिखी हुई अरबी में है या उर्दू में है, क्योंकि पढ़ नहीं पाते। कर रहा हूं दौरे हक हो तो नसीमे बोस्ता बन कर रहो, दोस्तों के पास आओ नूर फैलाते हुए, दुश्मनों की सबसे गुजरो आग बरसाते हुए। अपने जिंदा होने का एक सबूत पेश किया है, हमारी तारीख रही है इस वतन अजीज को आजाद कराने के लिए हम लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश की थी, अपने मालों को कुर्बान किया था। और आईना किसी को दिखाने की बात कर, तेरा खुद का आईना देख, तू अखंड भ्रष्ट है। मेरे मोहतरम हजरात, हालात जो बदल रहे हैं दिन ब दिन, ये आपको उकसाने की कार्रवाई है। जो रास्ते में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वो आपका जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, और ये बहुत लंबा।